और इस बीच एक और खबर आज ये मिली जो पीडीपी के लिए राहत राहत की खबर है, वो ये है कि पीडीपी के लीडर सरताज मदनी को खाने नज़रबंदी से निजात मिल गई है। जिला इंतजामिया ने जो फैसला किया है कि उनकी रिहाई का हुक्म सादिर कर दिया है। सरताज मदनी को आज बाजाब्ता तौर पर जिला इंतजामिया की तरफ से जो अहकाम जारी किए गए हैं वो रिहाई के अहकाम जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि गुज़श्ता साल दिसंबर से ही, दिसंबर के महीने से ही खाने नज़रबंद थे सरताज मदनी, और अब जिला इंतजामिया के सामने उन्होंने जो दरख्वास्त की थी कि उन्हें इस खाने नज़रबंदी की पाबंदियों से निजात दिया जाए और उनको आज़ादी दी जाए, रिहाई दी जाए। अब जिला इंतजामिया ने माहौल को बेहतर समझा और वक्त पर फैसला लिया है और यह तय किया है कि सरताज मदनी की खाने नज़रबंदी को ख़त्म की जाए। तो इस तरह से सरताज मदनी की खाने नज़रबंदी को ख़त्म करने का आज ऐलान कर दिया गया है। ये एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। आज फ़जाइया के लिए बड़ा ही अहम दिन है, चूँकि फ़जाइया के कॉम्बैट ग्रेजुएशन परेड का इनेकाद किया गया। इस मौके से कई नए बैच को नए बैच को मंजूरी दी गई और ये नए बैच के जो फ़जाइया के फोर्सेस होंगे वो आपके सामने हैं, वो आपके स्क्रीन पर इस वक्त वो बैच है जो नए हैं और नौ उम्र हैं, ये शामिल हो रहे हैं हिंदुस्तान के फ़िज़ाइया में। इस मौके से फ़िज़ाइया के सरबराह आरकेश भदौरिया ने अपने खिताब में एक तरफ जहां इनकी हिम्मत दिलाई, इनको सराहा और इनको कई चीज़ों की तरफ इनका इशारा भी किया, इनको मशवरे भी दिए और उन्हें बताया, गाइडलाइन की तरफ इशारा किया, इनकी रहनुमाई की। वहीं दूसरी जानब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब उनसे LAC की सूरत हाल पर बातचीत की, उनसे सवाल पूछा गया, चीन को लेकर के सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हम दुश्मन की हर चाल पर बारीक नजर रखे हुए हैं और LAC की सूरत हाल जो है फिलहाल अभी ऐसी है जिसमें हम बातचीत के मरहले में दाखिल हुए हैं और 11वें दौर की बातचीत हुई है, हम आगे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और बातचीत का यह सिलसिला जारी है। मसला यह है कि हम बातचीत के जरिए ही इस मसले को हल करना चाहते हैं, इसलिए वक्त लग रहा है। Like I said, the talks are on. The 11th round had taken place. The next round of talks, there is some activity in terms of there is a proposal for div commander level talks. So those decisions will be taken. The first attempt is to continue with the talks and do the disengagement at the balance friction points, and of course follow it up with de-escalation. However, in parallel, the ground realities are being monitored closely. Whatever is the reality across in terms of current leftover locations, deployments, any changes, that is being monitored closely, and whatever actions are required on our part, we are taking. We respect. Deployments are more or less with respect to what we have seen across post Kalwan. There was a level of deployment. Post disengagement, some deployments have been changed. So our deployments would really vary depending upon the situation. There would be an element of a basic increase in the basic level infrastructure and deployment, of course, that is the end result of what has happened. But the overall total deployments will vary, absolutely dependent on situations, particularly for the Air Force, because we can deploy fast, we don't have to be in that zone. और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, LG मनोज सिन्हा का बड़ा ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने एक बड़ा ऐलान किया है और बड़ा ऐलान ये है कि हर माह LG मुलाकात ना